नमस्कार दर्शकों, मैं हूं काजल। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सच्ची खबरें जानना आपका मौलिक अधिकार है, क्योंकि सच जरूरी है। बदलापुर में फंसी महालक्ष्मी एक्सप्रेस, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश ने कोहरा मचा रखा है, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन भी लेट चल रही है। इस बीच खबर आ रही है कि बदलापुर और वानगनी रूट में चलने वाली महालक्ष्मी एक्सप्रेस पानी में फंस गई है। इस ट्रेन में करीब 2000 यात्री सवार है। आरपीएफ और सिटी पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई है और फंसे यात्री को बिस्किट और पानी वितरित किया जा रहा है। डीजीआईपीआर महाराष्ट्र ब्रिजेश सिंह ने बताया कि बचाव की तीनों नावें वहां पहुंच चुकी है जहां महालक्ष्मी एक्सप्रेस फंसी हुई है। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संचालित होने वाली उड़ानें भी प्रभावित हुई है। मुंबई के अलावा तटीय कोकण व महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भी बारिश हो रही है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के पीआरओ ने बताया कि बीते 2 घंटे से हो रही बारिश की वजह से उड़ानों में औसतन आधे घंटे की देरी हो रही है। अब तक 7 उड़ानें रद्द की गई है, जबकि 9 उड़ानें अभी तक डायवर्ट की जा चुकी है जहां महालक्ष्मी एक्सप्रेस फंसी हुई है। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संचालित होने वाली उड़ानें भी प्रभावित हुई है। मुंबई के अलावा तटीय कोकण और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बारिश हो रही है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।